सब्सक्राइब कीजिए निकेत शाह प्लस चैनल को और बेल आइकन को बजाइए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में हम लोग एक दूसरे से करीब आते जा रहे हैं, इसका जो मेन रीज़न है वो है इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से छोटे से छोटा शहर रहे या छोटे से छोटा देश रहे, हम लोग एक दूसरे के करीब आने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा उसी चीज़ के रिलेटेड है। इसमें सबसे अहम इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो है मोबाइल ने। मोबाइल में पूरी दुनिया में इस तरह से जादू फैला है कि हम लोग मोबाइल के ज़रिए आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आज भी कई ऐसी कंट्रीज़ है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है। दुनिया में ऐसे पॉपुलेशन से, ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंटरनेट का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों, हमारा ऑनलाइन कोर्स भी शुरू हो चुका है। अगर ऑनलाइन कोर्स आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए सीखना है तो www.plusoneonline.com के ज़रिए आप सीख सकते हैं। यही कोर्स आप अगर मोबाइल के ज़रिए भी सीखना चाहते हैं तो आपको खाली गूगल प्ले स्टोर में जाइए, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये कोर्स सीख सकते हैं। उसमें कई सारे कोर्सेज हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और आगे भी नए नए कोर्सेज हम लोग ला रहे हैं। तकरीबन 40 अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हम लोग लाने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी मटेरियल अगर आपको परचेस करना है कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए या खुद की सर्किट बनाने के लिए तो www.niketshah.pluspoint आपकी 100% सहायता करेगा। ये वेबसाइट में जाइए, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। दोस्तों, मान लो ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे तापमान 0 डिग्री से भी कम है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और आजू बाजू में आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही जंगली जानवर दिखाई दे रहे, ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा, और आप समझो रास्ता भटक गए, तो आप कैसे जी पाएंगे, कैसे झेल पाएंगे खुद को, या कैसे आप रास्ता ढूंढ पाएंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए गूगल ने जो है मैप का आयोजन किया था, लेकिन अगर नहीं मिला तो आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट? यही अगर आप रण प्रदेश में कोई जाते हैं और यहाँ पर आप रास्ता भटक जाते हैं। मान लो कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास ताकत है, पानी है, और आप चलते गए, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप चलते चलते आप थक जाओगे और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप गिर पड़ोगे। तो उस समय अगर आपके पास गूगल का मैप रहता था या कोई नक्शा रहता था जिसके एक्सेस करके आपको आपका रास्ता ढूंढ पाए, तो सोचिए कितनी आसानी हो जाती, राइट? तो उसी वजह से गूगल ने एक प्रोजेक्ट लाया है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं बलून प्रोजेक्ट या गूगल लून प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में होता यूँ है कि ये एक गुब्बारा रहता है जो कि हवा में छोड़ दिया जाता है बहुत ही ऊपर की तरफ, और जिसके ज़रिए इंटरनेट आपको प्रोवाइड की जाती है। इस प्रोजेक्ट का नाम है गूगल प्रोजेक्ट लून। तो चलिए शुरू करते हैं इस गूगल प्रोजेक्ट को और एकदम डीपली देखते हैं कि ये गूगल प्रोजेक्ट लून काम कैसे करता है और बलून कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गूगल का ये मानना है कि दुनिया में जितने भी लोगों का है वो हर एक 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति इंटरनेट चलाते एक्सेस मिलना चाहिए। तो उसी वजह से गूगल लून प्रोजेक्ट का आविष्कार किया गया है। दुनिया जो है बहुत बड़ी है दोस्तों, और हर एक जगह पे कुछ ना कुछ अजीब अजीब घटना है या कुछ अजीब अजीब ज्योग्राफिक एरिया है, कुछ जगह पे रन है, कुछ जगह पे मौसम बहुत ही ख़राब रहता है। तो उस समय वहाँ पे टावर्स या कुछ भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए फाइबर डालना पॉसिबल नहीं रहता है। तो उसी चीज़ के लिए जो गूगल ने एक चीज़ का सहारा लिया वो है मोबाइल नेटवर्क टावर्स। बेसिकली मोबाइल नेटवर्क टावर वहाँ पे उस एरिया में नहीं लगा सकते, उस वजह से इंटरनेट वहाँ पे नहीं चलता। ये बेसिक प्रॉब्लम उनको समझ में आई। लेकिन ये मोबाइल नेटवर्क जो टावर आजकल हम लोग LTE मोबाइल यानी कि 4G मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए टावर्स के इस्तेमाल करते हैं। हर एरिया में आपने देखा रहेगा टावर्स रहता है। अभी होता क्यों है, होता ये है कि गूगल लून प्रोजेक्ट के अंदर पृथ्वी का जितने भी एरिया है हर जगह पे टावर्स लगाने से बेहतर है, हर जगह को लेकिन कवर तो करना ही है। इसके लिए वो लोग ने जो सहारा लिया है वो बलून का प्रोजेक्ट है। अभी एग्जैक्टली पहले मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर होता ही है कि जितने भी एरियाज है, मान लो कि आपका शहर है, ये आपका शहर है, उसके अंदर हर एरिया में अलग अलग जगह पर वो लोग ने टावर लगाया और इस टावर की मदद से आप लोगों को नेटवर्क मिलता है। अगर आप एक एरिया में से दूसरे एरिया में जाते हो तो भी दूसरा जो है वो दूसरा टावर आपको जो है वो सर्विस देने की प्रोवाइड करता है, राइट? लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत दूर चले गए जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं, तो गूगल क्या करता है कि ये जो LTE टावर जो है उसको वो लोग ने हवा में उठा दिया, राइट? इतना ऑफकोर्स इतना बड़ा टावर रहता है उसमें छोटा सा मशीन यूज़ होता है जिसकी मदद से आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एग्जैक्टली इसकी मदद से आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यानी LTE टावर ही रहता है लेकिन उसको हवा में एकदम दूर तक उठा दिया जाता है। होता है कि मान लो कि आप गाड़ी में बैठे हो और मोबाइल टावर पे बातचीत कर रहे हो, तो उस समय होता है क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ रहे हो उस समय एक टावर छोड़ के दूसरा टावर आपको सर्विस प्रोवाइड करता रहता है।
इसी प्रकार से मान लो एक ऐसी जगह पे आप खड़े हो जहाँ पे कोई भी टावर पॉसिबल नहीं है, तो बलून आपकी सहायता करेगी आपको इंटरनेट या मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करने की। तो ये मोबाइल सर्विस आपको होगा क्यों कि मान लो एक बलून आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आगे चला गया, उसी समय दूसरी बलून उसकी जगह ले लेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते रहेगा। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है ये एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी है गूगल लून प्रोजेक्ट की। ओके, तो इस तरीके से गूगल लून जो है प्रोजेक्ट वो काम करने वाला है। तो इसका जो मेन मकसद है, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक बलून कवर कर सकता है, यानी कि तीन हिस्से मतलब पूरे न्यूयॉर्क सिटी को तीन बार मल्टीप्लाई करे उतना बड़ा नेटवर्क एक आराम से बलून जो है हैंडल कर सकता है, इतने लोगों को आसानी से वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ये गूगल लून प्रोजेक्ट का है सबसे ज़्यादा एडवांटेज। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं गूगल की जो ये लून प्रोजेक्ट है उसके हिस्ट्री के बारे में। तो गूगल ने बेसिकली 2008 में इसकी शुरुआत की थी। तो 2008 में उसने एक स्पेस कंपनी स्पेस डेटा कॉरपोरेशन के साथ में टाइप किया था, लेकिन उसमें वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं कर पाए। उसके बाद में अनऑफिशियली वो लोग ने 2011 में एक गूगल एक्स नाम की कंपनी फॉर्म की, जिसके ज़रिए वो लोग ने शुरुआत की गूगल लून प्रोजेक्ट की बनाने की। तो इसके ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट जो किया गया वो जून 2013 में उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, और जून 16 के आसपास उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर न्यूजीलैंड में तकरीबन 30 बलून लॉन्च किए गए, पहली दफ़ा लॉन्च किए गए, जो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाए गए थे बलून्स, और न्यूजीलैंड में वो लोग ने जो है बलून्स डालने की शुरुआत कर दी। जब भी बलून्स इंस्टॉल कर रहे थे या जब भी बलून्स लॉन्च कर रहे थे उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सबसे पहले तो ये बलून का जो आवरी हिस्सा है जो कि प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, बराबर है, बाहरी आवरण जो है उसके अंदर जो हवा भरी रहती है तो हवा जो है लीकेज हो जाती थी, यानी कि बलून लगभग 2 या 3 घंटे में ही वापस नीचे आ जाता था, या कभी कभी 2 से 4 दिन तक रहता था उसके बाद में नीचे आता था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टाइनी होल्स थे। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए उन्होंने क्वालिटी पे ज़्यादातर ध्यान दिया। उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ पर रिसर्च किया, जैसे कि हवा कौन सी दिशा में आ रही है, हवा के अंदर अगर बलून्स का पोजीशन चेंज करना है तो कैसे किया जाए, अगर ऊपर भेजना है बलून को तो कौन से मशीन्स के ज़रिए भेजा जाए, ऊपर जाने पर बलून का जो तापमान रहता है वो ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ऊपर हमको अगर हवा के अंदर ही दिशा चेंज करनी तो कैसे करनी चाहिए, या प्लास्टिक कौन सी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए, उसमें कुछ होल्स है कि नहीं, वो कैसे मापा जाए, तो इन चीज़ों पर सबसे पहले वो लोग ने ध्यान दिया। दोस्तों ये बलून बनाने के बाद उनको महसूस हुआ कि इसके अंदर इतना सारा रिसर्च लग रहा है, इतना सारा ध्यान लगाना पड़ता है कि इतने बड़े बलून में से एक छोटा सा छेद ढूंढना वो बहुत ही बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, और उसमें भी अगर आपको पोजीशन चेंज करना है या बलून को ऊपर लेके जाना है या साइड में लेकर जाना है या रिप्लेस करना है तो किस तरह से किया। तो आखिरी में वो लोग ये सॉल्यूशन पे पहुंचे कि बलून के अंदर और एक बलून डाला गया, जो पहला बलून है यानी कि मेन बलून है उसके अंदर हीलियम डाला गया, हीलियम नाम का जो तत्व है या हीलियम नाम की जो हवा है वो डाली गई, जो कि बलून को ऊपर या नीचे लेके आने का काम करता है, और दूसरे बलून के अंदर एयर का यूज़ किया गया। ये एयर का जो इस्तेमाल रहता है वो बलून का जो पोजीशन है वो चेंज करने के, यानी कि साइड में ऊपर जाने के लिए हीलियम का इस्तेमाल होता था ऊपर नीचे, और साइड में आजू बाजू जाने के लिए एयर का इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार से बलून के अंदर कुछ नए नए रिसर्च करके एक अच्छा बलून पहले तो डेवलप किया गया। ये करने की ज़रूरत इसके लिए पड़ी कि हमारा जो पृथ्वी रहता है उसमें लैटिट्यूड रहता है, यानी कि जो रेखाएं रहती है इसमें कुछ हवाएं बहती रहती है जिसको हम लोग आवरण बोलते हैं, पृथ्वी के बाहर की कक्षा में आवरण रहता है जिसके मैच होने के लिए, मतलब उस आवरण से हमारा जो बलून है वो मैच होने के लिए ये सब करने की ज़रूरत पड़ी। मान लो कि हम लोग ने पृथ्वी से बलून को लॉन्च किया, यानी कि पृथ्वी से बलून को छोड़ा, बलून ऊपर जाने पर उसकी हालत या उसको क्योंकि कौन सी चीज़ें झेलनी पड़ती है वो अभी यहाँ पे मेजर काम करता है। अभी जैसे कि मान लो हर जगह पे टेम्परेचर या हर जगह पे जो वातावरण रहता है वो अलग अलग रहता है, तो मान लो एक बलून जो है वो हम लोग ने एकदम उत्तर ध्रुव की तरफ भिजवा दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी रहती है और एक्सट्रीम ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो कुछ हालत ऐसी भी हो सकती थी, राइट। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सुधारते गए इन टेक्नोलॉजी है हीलियम और एयर की मदद से, इस तरह से सुधारा गया मटेरियल को कि हम लोग अभी तो दिन में, मतलब गूगल एक दिन में लगभग 50 बलून छोड़ने की ताकत रखता है, और वो भी कोई भी एटमॉस्फेयर में खुद को ढालने की पूरी जो है कैपेसिटी इस बलून की रहती है, जिसके कारण जो है गूगल लून जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होने के ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं।
साथ ही साथ इसके अंदर जो मेन चीज़ हो जाती है वो उसका जीपीएस सिस्टम। इसका जो जीपीएस सिस्टम रहता है वो इस तरीके से काम करता है कि एक एरिया में, मतलब ये जो नीचे का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है वो उसका मेन जीपीएस सिस्टम है जिसके जरिए नेटवर्क प्रोवाइड की जाती है। एक एरिया में सब बलून्स का झुंड ला दिया जाता है, कम से कम एक एरिया में 3 से 4 बलून लाए जाते हैं और लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक बलून कवर कर सकता है। तो उधर 4-4 बलून रखते हैं क्योंकि एक बलून की कैपेसिटी रहती है 150 दिन तक की। जैसे ही 150 दिन हो जाता है तो जनरली बलून ख़राब या उसके बीच में एक बलून समझो कुछ कारणवश खराब हो जाता है या नीचे आ जाता है तो दूसरा बलून उसकी जगह ले सके, राइट। तो इस तरह से बलून का झुंड जो रहता है इस तरह से हवा में छोड़ा जाता है कि एक बलून समझो ड्रॉप होने पर दूसरा बलून उसकी तुरंत जगह ले पाए या कभी कभी लोड बढ़ने पर अपने आप उसकी दूसरी बलून जो है उसकी जगह ले पाए। तो ये हिसाब से पूरे तरह से मैनेज किया जाता है। अगर मैं इस बलून का पूरा आर्किटेक्चर बताने की कोशिश करूँ तो बलून जो रहता है वो उसके ऊपर सबसे ऊपर रहता है, बीच में सोलर पैनल रहता है और आखिरी में जो रहता है हमारा इक्विपमेंट जो कि जीपीएस सिस्टम या जिसको एलटी एंटीना बोल सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं एंटीना की बात करते हैं कि एंटीना बेसिकली काम कैसे करता है। तो एंटीना एक प्रकार का नेटवर्क छोड़ता रहता है। ये जो नेटवर्क है हमारे सेलफोन टावर्स के जैसे ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसी प्रकार से काम करता है कि एक एरिया में समझो एक बलून है तो 3 से 4 बलून एक साथ में अपने अपने नेटवर्क छोड़ते हुए, मान लो कि कोई यूज़र एक एरिया में से दूसरे जा रहा है तो ऑटोमेटिक उसको सर्विस प्रोवाइड की जाए। लेकिन जब भी अगर यूज़र की बात ना करते हुए हमारे घरों की बात करें, घर तो एक ही जगह पे स्टेबल होना है तो उनको नेटवर्क कैसे मिला जाए, तो ये सबसे मेन पॉइंट जो होती है ये इसके अंदर होती है। तो जनरली होता यूँ है कि हमारा जो बलून्स रहता है वो एनवायरनमेंट पे इतने ऊपर रहता है तो लगभग 20 किलोमीटर ऊपर चलते हैं। हालांकि हमारा जो आजकल जो हमारे प्लेन्स वगैरह चलते हैं वो लगभग 10 किलोमीटर यानी कि पृथ्वी के ज़मीन के ऊपर से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर उड़ता है और हमारा जो बारिश का जो क्लाउड्स वगैरह रहता है वो भी लगभग 10 किलोमीटर तक रहता है। लेकिन ये जो बलून्स रहता है लगभग 20 किलोमीटर ऊपर छोड़ा रहता है ताकि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और उतना दूर से ये पूरी एरिया ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो कवर कर सके। दूसरा एक जो रीज़न रहता है ये 20 किलोमीटर ऊपर रखने का, इसका जो मेन रीज़न है पृथ्वी का लैटिट्यूड। अभी पृथ्वी के 20 किलोमीटर ऊपर अगर वातावरण की बात करें तो वहाँ पे हवा कुछ इस प्रकार से चलती है कि कुछ जगह पे आपको जैसे यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है राइट साइड जा रही है और कुछ जगह पे लेफ्ट साइड जा रही है, तो हवा का जो प्रेशर रहता है वो अलग अलग रहता है। उसको मैच करने के लिए 20 किलोमीटर ऊपर आपको हवा के ऊपर बलून को छोड़ा रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हवा जो है वो एक दिशा में जा रहे हैं बलून से एक दिशा में जा रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक ही दिशा में नहीं बढ़ते, हवा दो किस्म से रहती है। एक जगह जैसे आपको यहाँ पर राइट साइड जाते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपर देखिए अभी एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से लेफ्ट साइड भी हवा जा रही है। तो हवा के अंदर जो बलून से एक साथ में लाने के लिए भी ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसके अंदर जो लैटिट्यूड के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए हीलियम या जो मैंने आपको एयर का प्रेशर जो बताया वो वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। दूसरी एक बात है कि अभी घरों के अंदर ये इंटरनेट कैसे पहुंचाया जाए, तो घरों के ऐसे घर के ऊपर इस तरह से बॉल लगाए जाते हैं जो कि रिसीवर का काम करता है। जिस दिशा में जिस एरिया में बलून्स फ्लो होते हैं तो ये बलून एग्जैक्टली करता क्या है कि बलून अपना नेटवर्क छोड़ता है, बलून अपना एंटीना के जरिए तरंग छोड़ता है और यही तरंग जो कैच होता है वो हमारा घर कैच करता है और ये बलून एक कंट्रोल टावर की मदद से हमारे घर तक, ये देखो ये कंट्रोल टावर है और हमारे घर पे जो बॉल लगा हुआ है वो बलून की मदद से इंटरनेट हमारे घरों में भी चलाया जा सकता है। यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत रिमोट एरिया है तो वहाँ पे इस तरह से बॉल की मदद से भी आप इंटरनेट चला सकते हो। अब ये बॉल की बात करें तो बॉल के अंदर रहता क्या है, तो बेसिकली एक रिसीविंग करने की चिप रहती है जो कि आजकल आपके मोबाइल में भी रहता है, रिसीवर रहता है, राइट। क्योंकि आजू बाजू में जो टावर्स है तो उसको सिग्नल को रिसीव करने का काम ये बॉल करता है। साथ ही साथ एक एंटीना रहता है जो कि वक्त पड़ने पर ये अपना टावर के जरिए मतलब ये बॉल के जरिए सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट भी कर पाए। तो ये बॉल के अंदर की बात हो गई। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे घरों के लिए साथ ही साथ हमारे मोबाइल्स के इंटरनेट के लिए भी बहुत अच्छी तरह से बेहतर तरीके से काम कर सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों अभी ये बलून की बात करें तो बलून का जो डायमीटर रहता है वो 49 फीट बाय 39 फीट का रहता है। बेसिकली ये पूरे बलून का डायमीटर है। उसके अंदर जो सब बलून रहता है, छोटा सा आपको यहाँ पे ब्लेंडर दिखाई दे रहा है, उसके नीचे रहता है स्टार्क यानी कि कट डाउन एरिया रहता है और नीचे हमारा जीपीएस का बॉक्स रहता है जिसको हम लोग एंटीना बॉक्स भी बोलते हैं। अभी एंटीना बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो एंटीना बॉक्स के अंदर रहता क्या है, तो उसके अंदर रहता है कुछ एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहता है कि जितने भी बलून हवा में उस एरिया में मौजूद रहता ना सभी बलून्स आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं।
ये आपस में एक दूसरे से बातचीत ये करता है कि कौन से एरिया में कहाँ कहाँ पे अभी लोकेटेड है और कितना कितना टावर का कम्युनिकेशन हो रहा है और कितने एरिया में कंट्रोल टावर के जरिए हर एक को कंट्रोल करने में आसानी पड़े और बलून भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बेसिक काम होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का, ताकि जो इंटरनेट सर्व करने में ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर रहे। दूसरा रहता है आरएफ कम्युनिकेशन सिस्टम, आरएफ यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी का कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है। खुद का एक प्रोसेसर रहता है, खुद का एक मेमोरी यूनिट रहता है, एक पोजीशनिंग सिस्टम रहता है। पोजीशनिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे ये बलून को स्थिर रहना है, कौन से लोकेशन से आगे बढ़ना है, कौन से लोकेशन पे दोबारा उसको आना है, ये सब जो चीज़ें पोजीशनिंग जो जो पृथ्वी का लैटिट्यूड रहता है उसमें जो पोजीशनिंग करने का जो काम रहता है उसका GPS सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद रहता है। साथ ही साथ उसका खुद का एक पावर सिस्टम रहता है जो कि सोलर पैनल रिलेटेड रहता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे रहता है। तो ये जो हमारा जो बॉक्स रहता है जिसको हम लोग मैजिकल बॉक्स रहता है उसके अंदर इतनी चीज़ें रहती है। ये आपको जैसे ग्राफिक में आपको दिखाई दे रहा है सिल्वर कलर का बॉक्स, इतनी चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो जितने भी बलून्स रहते हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए और खुद अपने अपनी पोजीशंस अच्छी तरह से ले पाए। या एक बलून अगर डाउन जा रहा है, एक बलून अगर कम हो रहा है, उसकी समझो उम्र ख़त्म हो गई 150 दिन की या 125 दिन की, तो उसकी जगह दूसरा बलून ले पाए। तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से उसके जो कंट्रोल बॉक्स के अंदर ही मौजूद रहता है। तो अभी बात करते हैं उसके पावर सप्लाई यूनिट की। तो मेन जो पावर सप्लाई सोर्स है उसका वो है सोलर पैनल। तो दिन के समय तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सोलर एनर्जी यानी कि सोलर पैनल के जरिए उसको पावर मिल जाती है और हमारा जो सिस्टम रहता है वो चलते रहता है। रात के समय, ये दिन के समय क्या होता है, ये है कि सोलर पैनल के जरिए उसके अंदर एक बैटरी रखी हुई रहती है जो कि सोलर के जरिए चार्ज होती रहती है और ऑटोमेटिक चार्ज होने के बाद रात के समय जो कि हमारे बैटरी से ही उसको बैकअप मिलता रहे और जो बलून है वो जैसे नॉर्मल काम कर रहा है उसी प्रकार से रात के समय में भी आसानी से वो काम कर सकता है। दूसरी बात करें इसका हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मान लो एक ऐसी जगह है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ पेरू शहर का, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आने पर क्या होता है कि उस एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है या कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। लेकिन ये बलून की मदद से हम लोग ये कर सकते हैं, लोगों को पहले तो आगाह कर सकते हैं, प्लस बलून खुद का पावर खुद इस्तेमाल करता है, सोलर से ही खुद जनरेट करता है और लोगों को इन्फॉर्मेशन LTE नेटवर्क के जरिए पहुँचा सकता है। तो ये सर्विस जो है हमारा लून सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है और काफ़ी सारी लोगों की ज़िंदगी जो है बदल सकता है। अभी बात करते हैं अगर उसका जो समय है वो ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा। तो इस समय ऐसा होता है कि बलून के अंदर एक ऑटोमेटिक पैराशूट जो रहता है वो ऑटोमेटिक उतने दिन के बाद खुल जाता है, या बलून के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है या बलून के 150 दिन ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि पहले से प्री प्रोग्राम रहता है, तो अंदर से एक ऑटोमेटिक पैराशूट खुल जाएगा और पैराशूट खुलने पर धीरे 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 बलून को नीचे ला दिया जाएगा। क्योंकि एक साथ में अगर बलून नीचे आ गया तो जो उसका जो GPS या जिसको LTE का जो डब्बा है वो ख़राब या सोलर पैनल जो है ख़राब होने के चांसेस रहता है। तो पैराशूट के जरिए उसको धीरे 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 ज़मीन पर लाया जाता है और गूगल की खुद की एक कलेक्टर टीम रहती है जो कि इन टाइप के बलून्स को यानी जो नीचे आ गए बलून्स को उनको कलेक्ट करने का काम करता है। आगे चल के दोस्तों मुझे लगता है कि बलून की जगह पे भी वो लोग और एक रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा ड्रोन बनाया जाए कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाए और वो सोलर के जरिए ही चलता हो, उसमें कोई पेट्रोल या ईंधन की आवश्यकता ना हो। तो आगे चल के हो सकता है कि इस तरीके के आपको कुछ देखने मिल जाएगा फ्यूचर में। तो ये था प्रोजेक्ट लून के बारे में। तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, लाइक के नीचे कमेंट में लिखे कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह से नए नए वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।